बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआइंदा किचन। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। चलें इसी दुआ के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्सलो, और इसके लिए हमें इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कैबेज ली है, ये कैबेज मैंने तकरीबन ये स्मॉल 2 कप ले लिए, मीडियम 2 कप है ये, ठीक है। और ये लिए मैंने कैरेट, मैंने 2 मीडियम ये मैंने क्रश की है। अब इसके लिए मैं इसमें मैं ऐड करूँगी, इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ली है मायनीज। वन फोर टी स्पून मैंने लिया है वाइट पेपर, 1/4 टी स्पून लिया है ब्लैक पेपर, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है ये कैस्टर शुगर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें मेयोनीज़ में मैं ऐड करूँगी। उसके बाद ये मिल्क लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून, ये मैं पहले थोड़ा डाल के देखूँगी। अगर तो हमारा ये देखें, हमने ये बहुत ज़्यादा जो है ना, हमने इसका जो पतला नहीं करना, हमने इसका इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखें, ये कुछ इस तरह होनी चाहिए, ये देखिए, ठीक है। बस ये थोड़ा सा और ऐड करेंगे। चले अब मैं इसमें ऐड करेंगे, ये सारा मिक्स कर लेंगे। ये बनता तो बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, तो बहुत ये ज़बरदस्त और ये टेस्टी भी होता है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, इसमें मायोनीज़ थोड़ा कम है, मैं इसमें थोड़ा 1 टेबलस्पून में और ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा इसमें दूध में और ऐड करूँगी। ये तकरीबन जो मायोनीज़ है मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड की है इसके अंदर, ठीक है। 3 टेबलस्पून वो थे, ये टोटल हमारे 4 टेबलस्पून हो गए। इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए जी, हमारा ये मैंने डिश आउट किया, ठीक है। कितना ज़बरदस्त ये हमारा सैलेड तैयार हो गया। ये आराम से बहुत इजीली, ये बहुत लाइट होता है सैलेड, ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मेरी इस रेसिपी को करिएगा ट्राई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।